फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो अगर चार क्वेश्चन करके आठ नंबर पक्के कर लेते हैं तो क्या बुराई है जी हां रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्लास में आपको सिर्फ चार क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जामिनेशन में आठ मार्क्स पक्के हो जाएंगे इसके अलावा एक एक नंबर में क्लास जो नई रेशियो गेनिंग रेशियो का क्लास एक से दो क्वेश्चन मैक्स टू तो मैक्स पूछा जा सकता है पूरे के पेपर पूरे के पूरे पेपर में बट बड़े क्वेश्चन क्लास इसी टाइप के रहेंगे ध्यान से अच्छे समझना पूरा का पूरा, पूरा चैप्टर रिविजन हो जाएगा और इन चार क्वेश्चन से कंप्लीट चैप्टर का एक बार आप बिफोर एग्जाम तुम सारी किताब थोड़ी बना के जाओगे तो ये चार क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत है और अच्छे से क्लास एक बार सीरियसली बिना कुछ दिमाग में और घुसाए बिना हरे के आराम से तसल

वो दे रखिए दो लाख दस हज़ार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप क्लास आपको दे रखी है क्योंकि कौन चला गया छोड़ के पी चला गया छोड़ के ना पी रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्यू और आर की दे रखिए वन रेशियो फोर यानी वन बाई फाइव फोर बाई फाइव तो मैं एक रेशियो मैंडेटरी है निकालना गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो क्यू और आर का जो न्यू है वो है वन बाई और वो है फोर बाई माइनस क्यू का जो ओल्ड है वो है फाइव अपॉन फिफ्टीन आर का जो ओल्ड है वो है फोर अपॉन फिफ्टीन ऐसे में थ्री माइनस ये 5, क्लास माइनस टू अपॉन यानी कि अगर मैं गेनिंग रेशियो देखूं तो गेनिंग रेशियो नेगेटिव है इसका मतलब तो पार्टनर गेन नहीं कर रहा पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे क्लास आएगा क्लास फिफ्टीन फाइव थ्री जा फिफ्टीन थ्री फोर जा ट और माइनस फोर ये क्लास एट अपॉन फिफ्टीन राइट तो इस तरीके से आपका गेनिंग रेशियो आराम से निकल गया है अब हमें क्या करना है क्लास शो द वर्किंग नोट क्लियरली पास द एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द पी रिटायरमेंट आपकी एंट्री पास करें सीधी सी बात है यार गुडविल की जो एंट्री होती है वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रिमेनिंग कौन कौन है क्लास क्यू डेबिट और आर डेबिट छोड़े कौन जा रहा है टू पीस कैपिटल अकाउंट पी छोड़ के जा रहा है पूरे फॉर्म की गुडविल आपको दो लाख दस हज़ार दे रखा है और पी का हिस्सा कितना है क्लास पी का हिस्सा है छः सिक्स बाई फिफ्टीन तो टू लाख टेन थाउजेंड का सिक्स बाई फिफ्टीन करो आप कितना बन रहा है टू लाख टेन थाउजेंड का सिक्स बाई फिफ्टीन यार एटी फोर थाउजेंड टू लाख टेन थाउजेंड

ये शेयर भी पूरे फॉर्म में लिया है और मल्टीप्लाई भी पूरे फॉर्म की गुडल से ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर से नीचे आ गया साइड चेंज हो गई तो प्लस में आ गया फिफ्टीन इंटू टू या आ गया ट्वेंटी एट थाउजेंड और ये आया क्लास टू लाख टेन थाउजेंड और एट अपॉन फिफ्टीन इंटू एट डिवाइड बाई फिफ्टीन या आ गया एक लाख बारह हजार अगर आप देखोगे तो आपका आंसर हो गया मैच डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल या बीइंग क्यू शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट तो ये है गुडविल का क्वेश्चन इसी तरीके से क्लास हिडन गुडविल का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पार्टनर है जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा पांच लाख बनता है पर सारे पार्टनर कहते हैं आठ लाख देने को अरे भाई क्यों दे रहे हैं आठ लाख तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो गुडविल दे रहे हैं क्वेश्चन लिखा रहेगा उसको रिवैल्यूशन दे दिया कैपिटल बैलेंस दे दिया सब कुछ दे दिया उसके साथ बनता है पांच लाख

हिडन हिडन गुडविल ऑफ बी बी तो का क्लास कितना आएगा थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड आएगा क्या चेक करना एक लाख साठ हजार माइनस एक लाख उनतीस हजार दो सो इट्स थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड ये आ गया क्लास बी के हिस्से की गुडविल बात आई समझ तो बी का जो गुडविल है वो आ गया यहाँ पे और इसकी एंट्री पास कर दो पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको गेनिंग रेशियो इज़ इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और सिंपल केस में जानते ही हो जो जा रहा है छोड़ के उसको छुपा लो यही गेनिंग रेशियो यही न्यू रेशियो हो जाएगी और ये सिंपल केस ही है इसमें नहीं नहीं नई रेशियो गिवन है सॉरी ढंग से पढ़ना क्लास यहाँ पर आपको दे रखा है फाइव रेशियो थ्री और ए का और सी का तो फाइव बाई एट थ्री बाई एट ये दे रखा है माइनस ये हो गया क्लास न्यू रेशियो माइनस अब ओल्ड रेशियो जो क्लास है इसके अंदर ये तो हो गया क्लास आपका न्यू रेशियो राइट अब जो ओल्ड रेशियो है वो आपको क्लास कितना दे रखा है मुझे बताओ ओल्ड रेशियो दे रखा है ए का ए का दे रखा है क्लास फोर अपॉन चार तीन सात दो नौ फोर बाई नाइन और बी का सी का दे रखा है कितना टू बाई नाइन तो ये हो गया सेवेंटी टू नाइन फाइव फोर्टी फाइव ये थर्टी टू तो फोर्टी फाइव माइनस थर्टी टू थर्टीन अपॉन सेवेंटी टू ये भी सेवेंटी टू है नाइन थ्री जे ट्वेंटी सेवन एट टू जै सिक्सटीन तो ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन आएगा इलेवन बाई सेवेंटी टू तो थर्टीन रेशियो इलेवन ये गेनिंग रेशियो होगी गे, और एंट्री आप जानते हो क्या होगी ए सी टू बी बी को मिलेगा थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड और जो कि क्लास थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड वन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस वन सिक्सटी थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड का एलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर इलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर और थर्टीन प्लस इलेवन ये गया क्लास थर्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर इलेवन अपॉन्ट ट्वेंटी फोर तो थर्टी थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड है इन टू थर्टीन अपॉन्ट ट्वेंटी फोर इट्स वन सिक्स सिक्स एट थ्री और इसका आ जाएगा क्लास वन फोर वन वन सेवन वन फोर वन वन सेवन तो ये एंट्री क्लास हो गई तो सब कुछ मिलाकर उसका बनता है वन लैक ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड पार्टनर एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं तो तीस हजार आठ सौ जो है वो बी के हिस्से की हिडन गुडविल है किसके हिस्से की क्लास बी के हिस्से की बी का इतना बनता है ठीक है नेक्स्ट अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है और ऑब्वियसली क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ रहा है अगर नहीं भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया तो भी तुम छह नंबर में आराम से कर लोगे बट एडजस्टमेंट है तो क्यों नहीं क्लास अच्छे से एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे आओ दो क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं मैंने दोनों एडजस्टमेंट क्वेश्चन लिए ताकि आपका रिटायरमेंट अच्छे से क्लास रिविजन हो जाए विद इन क्लास हाफ एनआवर ए बी सी तीन पार्टनर रेशियो टू टू वन पहले फॉर्मेट बना लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं रेशियो है टू टू वन टू बाई फाइव टू बाई फाइव वन बाई फाइव ऐसे ही करना बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे मैं कर रहा हूँ ओवरऑल क्वेश्चन को झलक लेना बांटने आइटम्स से मुझे एक ही दिख रहा है जर्नलिजम और कुछ नहीं दिख रहा इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नई रेशियो मैं पूरे क्वेश्चन को स्कैन कर रहा हूँ अपनी नज़रों से यहाँ पे कोई भी नई रेशियो गिवन है ये रहा थ्री बाई फोर वन बाई फोर ये न्यू रेशियो है राइट न्यू रेशियो है क्लास ए और सी की थ्री बाई फोर वन बाई फोर बी छोड़ के जा रहा है क्लास बी रिटायर हो गया uh, क्या है थ्री रेशियो वन थ्री बाई फोर और वन बाई फोर तो तुम्हें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ए और सी का थ्री बाई फोर वन बाई फोर माइनस ए का कितना है टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव ये हो गया बीस पंद्रह में से आठ गया सात ओपॉन बीस ये बीस हो गया पाँच में से चार गया 20, एक ओपन बीस ठीक है पाँच एकम पाँच और चार एकम चार ठीक है तो क्लियर है क्लास यहाँ तक ए और बी जा रहा है छोड़ के तो सेवन रेशियो वन अच्छा पूरे फॉर्म की गुडविल देखो कहीं ना कहीं देर हुई गुडविल है क्लास डेढ़ लाख रुपए पूरे फॉर्म की अगर पूरे फॉर्म की डेढ़ लाख है तो बी का हिस्सा कितना होगा मुझे बताओ पूरे फॉर्म की डेढ़ लाख है तो बी का शेयर सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेना आप लोग सबसे पहला काम जो अभी दिखाया ना आपने गुडविल तो आना ही आना है पक्की बात है बी शेयर तो पूरे फर्म की अगर डेढ़ लाख है तो बी का हिस्सा है टू बाई फाइव जो कि कितना बनेगा क्लास टू बाई फाइव साठ हज़ार बनेगा और एंट्री क्या होगी क्लास एंट्री होगी ए सी टू बी बी को मिलेगा साठ हज़ार ए और सी कितना है क्लास साठ हज़ार का सेवन बाई एट ये कितना बनेगा बावन हज़ार पाँच सौ ठीक है माइनस साठ हज़ार यह बनेगा सात हज़ार पाँच सौ तो सेवन रेशियो वन क्लास आपका जो है आंसर आ गया सेवन रेशियो वन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्लास नई रेशियो दे रखिए थ्री बाई फोर वन बाई फोर तो न्यू रेशियो थ्री बाई फोर वन बाई फोर माइनस ओल्ड रेशियो टू बाई फाइव और सी का वन बाई फाइव ऐसे में लिया ट्वेंटी फाइव थ्री जो फिफ्टीन फोर टू जो एट सेवन अपॉइंट ट्वेंटी ये ट्वेंटी है क्लास फाइव और फोर uh, जाएगा क्लास वन बाई ट्वेंटी ये हो गया क्लास आपका क्या गेनिंग रेशियो ठीक है तो एंट्री क्या होती है क्लास एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गेन कौन कौन कर रहा है क्लास ए और सी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बी बी को मिलेगा साठ ए देगा फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड सी देगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड राइट अब इसकी पोस्टिंग कर लेते ए में सी में लिखो टू बी ये कैपल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना रखा था बस आप नाम लिख लो ए में और सी में लिखो एक क्लास टू बी देखो ए में और सी में ए में फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड एम ए सी में टू बी बी में आएगा बाई ए बाई सी बी में आएगा फिफ्टी टू और 7500 ए में सी में टू बी बी में बाई ए बाई सी ए में सी में क्लास आ गया टू बी बी में आएगा बाई ए बाई सी तो यू गया गुड का ट्रीटमेंट फिर डेटर्स पे प्रोविजन 10 परसेंट का बनता है तो आप देखो डेटर्स आपको दे रखा होगा डेटर्स तीन हज़ार का है 10 परसेंट बनेगा तीस हज़ार का डेटर्स है 10 परसेंट बनेगा थ्री थाउजेंड हज़ार इन्होंने बना रखा है तो दो और बना दो क्लास रिवॉल्यूशन में

ये वाला हमने जो काम कर रखा है बच्चों ध्यान समझना ये वाला जो हमने काम किया है हाँ एक क्या हो गया हाँ ये हमने रेज और रिटर्न ऑफ करके नहीं किया है एडजस्टमेंट नॉर्मल कर दी है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है रेज एंड रिटर्न ऑफ तो मैं तुम्हें वो भी सिखा देता हूँ क्लास वो भी आप कैसे करोगे मैंने नॉर्मल तो तुमको बता दिया तो कल को अगर नॉर्मल आता है तो नॉर्मल वाला तो कर ही लोगे आप अगर ऐसा नहीं लिखाओ लेकिन इन्होंने बोल दिया क्लास गुडविल को रेज करो और राइट ऑफ करो पहले बढ़ाओ देखो जब भी गुडविल को रेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के कैप्प अकाउंट तो गुडविल टू पार्टनर्स के कैप्ले अकाउंट गुडविल में टू पार्टनर्स के कैप अकाउंट पार्टनर्स के कैप्ले अकाउंट है बाई गुड तो जो भी क्लास है गुडविल वो ओल्ड रेशियो में क्लास आपने बांट देना है पूरे फॉर्म की गुडविल डेढ़ लाख दे रखी है ओल्ड रेशियो है टू टू वन तो पांच से डिवाइडे तीस साठ साठ और तीस ये एंट्री हो जाएगी सिक्सटी सिक्सटी और थर्टी ठीक है क्लास ये हो गया क्लास रेस्ड अब रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है पार्टनर्स कैपल अकाउंट डेबिट टू गुडविल पार्टनर्स कैपल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ये किस रेशियो में होती है न्यू रेशियो में राइट ए बी और बी जा रहा है ए और सी में तो नई रेशियो कितनी है क्लास यहाँ पे नई रेशियो दे रखी है क्लास कितनी थ्री रेशियो वन थ्री बाई फोर वन बाई फोर ठीक है तो डेढ़ लाख का थ्री बाई फोर या, या एक लाख ए एक लाख बारह हजार पाँच सौ सैतीस पाँच सौ ठीक है खत्म ये हो गया ये नेट एंट्री वही बनेगी बात नेट इफेक्ट वही बनेगा बट क्वेश्चन ने कहा था मैंने ध्यान से देखा नहीं तो कर दिया तो तीन हजार से बना का. थूर्ट थूर्ट तक कम हो गया तो तीन हजार से क्लास कर दो फर्नीचर कम टू फर्नीचर कम कर दिया फर्नीचर को तीन हजार से अच्छा और क्या पॉइंट आपको दे रखा है फर्नीचर कम कर दिया मशीनरी रिड्यूस बाई टेन थाउजेंड मशीनरी सीधे दस हजार से कम हो गया टू मशीनरी टू मशीनरी कितने से कम हो गया क्लास दस हजार से मशीन सी दस हजार से आपने कम कर दिया अमाउंट ऑफ इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी लाइक पंद्रह हजार रिटर्न बैक हो गया बाई क्रेडिटर्स कितने कम हो गए क्लास पंद्रह हजार तो पंद्रह हजार रुपए के क्रेडिटर्स जो है वो क्लास कम हो चुके हैं दस हजार पी को तुरंत दे देंगे बी को और बाकी सारा उसके लोन में तो आपके अपल अकाउंट देख लो क्लास दस हजार तुरंत दे दो टेन थाउजेंड आप तुरंत दे दो टू पीस कैपिटल अकाउंट सॉरी तुरंत दे देंगे ना टू कैश बी को दस हजार बाकी जो भी बैलेंस बचेगा वो क्लास टू बीस लोन अकाउंट दस हज़ार नकद दे दो और बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डाल दो आई क्लास बात समझ यहाँ तक अच्छा ये जो लाइन लिखी गई है लास्ट लाइन ये पता एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज सिक्सटी थाउजंड ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन थ्री रेशो फोर आफ्टर पासिंग द एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाई कंटिन्यूंग पार्टनर्स एज द केस मे बी प्रिपेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट अच्छा सुनो नए फॉर्म की कैपिटल को केस वन में क्या करते हैं नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देते हैं ठीक है सिक्सटी थाउजेंड आपको रखा है और थ्री बाई फोर है तो पैंतालीस और पंद्रह फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड

तुमने सारे एडिशनल पॉइंट को लिख लिया अब हम चलते हैं क्लास इस पर हमारे पास क्या प्ले वन फोर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी फाइव वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन फिफ्टी फाइव वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन फिफ्टी और देखो यार तुम जितने ज़्यादा पॉइंट सही लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे तो चिंता की बात नहीं है कि तुम्हें पूरा ही करना आधा अधूरा करोगे ना तो भी क्लास तुम्हें आधा अधूरा नंबर मिलेंगे यार जी यानी जनरल रिजर्व कितना बैलेंस है क्लास फिफ्टी थाउजेंड का तो ट्वेंटी टू टू रेशियो वन है ना ओल्ड रेशियो में बढ़ता है तो ट्वेंटी ट्वेंटी हो गए थे बेटा माफ़ करना ठीक है अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं भी वॉइस चली गई होगी काफ़ी पहले से वॉइस चली गई होगी मैं देख लेता हूँ मैं बता देता हूँ देखो मैं क्या था कि यहाँ पे आपने रीवैल्यूशन की टोटलिंग लगाने ली है कोई भी दोनों बराबर आ गया तो ना कोई गेन है ना कोई लॉस है यहाँ पर और अगर आप देखोगे हमने हर एक चीज़ यहाँ पर लिख दिया है हर एक चीज ओपनिंग बैलेंस हो गया जनरल रिजर्व हो गया ओल्ड रेशियो में गुडविल को रेज किया गुडविल को राइट ऑफ किया कैश दे दिया बी को बी का बैलेंस जो है वो लोन अकाउंट डाल दिया अपने सारा कुछ अच्छे से कर लिया सारा कुछ यहाँ पे टोटलिंग कर लिया और क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया और कुछ भी क्लास यहाँ पे बचा नहीं है जो यहाँ पे हो मैं कहता आई एफ आर को सॉरी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड को मत बांटना एम्प्लॉ प्रोविडेंट फंड को बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे कहीं भी ठीक है तो ये हो गया क्लास यहाँ पे डन चलो अब हम टोटलिंग करते हैं क्लास कैपिटल अकाउंट की हम निकाल लेते हैं आंसर सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा है उसकी टोटलिंग करो उसका हिसाब किताब लगाओ तो बी जा रहा है छोड़ के भैया बी को कितना मिल रहा है एक लाख पचपन हज़ार प्लस बीस हज़ार प्लस साठ हज़ार इट्स टू लाख थर्टी फाइव थाउजेंड टू लाख थर्टी फाइव थाउजेंड टू लाख थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस करेंगे टेन थाउजेंड तो टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है रिवॉल्यूशन का तो बराबर ही आ गया कुछ बचा ही नहीं अब टोटल लगाओ ए का वन फोर्टी ट्वेंटी और सिक्सटी इट्स टू ट्वेंटी सेट बड़ी है टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो इधर बचता है 62, 500, तो आप लिखोगे टू कैश तो बैलेंसिंग फिगर जो भी है ना वो टू कैश जाएगा द द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज सटी थाउजेंड बिटवी ए एंड बी प्रोपोशन थ्री रेशियो वन आफ्टर पासिंग द एंट्री एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन यानी बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में नहीं आएगा अगर बैलेंसिंग फिगर करंट में बोलता तो मैं यहां पे करंट लिख देता टू करेंट बाई करेंट बर बैलेंसिंग फिगर कैश में बोल रहा है तो टू कैश इधर बचता तो बाई कैश वैसे इधर नहीं बचेगा तीस दस चालीस एक साठ वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी वन सिक्सटी ये हो गया वन सिक्सटी तो वन सिक्सटी में से माइनस करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड माइनस सैंतीस हज़ार पाँच सौ है ना आप लोगों को भी लगता होगा कास हमें भी सर कैलकुलेटर मिल जाए फिर तो हम कर लेंगे हमारे मेन दिक्कत ही कैलकुलेशन की है अग्री करता है, करते हो तो लाइक करना हमारी दिक्कत ही कैलकुलेशन की अकाउंट स्टाफ इसी लगती है बार बार कैलकुलेशन करो अब वो भी गलत चली जाती है औरली करते हैं भरोसा नहीं आता फिर लिख के करना पड़ता है कॉन्फिडेंस नहीं आता उरली करने पर कि यार कहीं गलत ना हो राइट तो ये था क्लास कैपिल अकाउंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नए फॉर्म कैपिटल गिवन होगी नई रेशम बांटो वही टू बैलेंसडी बैलेंसिंग फिगर निकालो टू कैश या बाय कैश इसमें दोनों ही पार्टनर पैसा अपने घर लेके जाएंगे बिकॉज इन्होंने कैपिटल जो सोची थी बनाने की वो बहुत कम है एक्चुअल ज्यादा है तो अपने घर लेके चले जाएंगे लोग राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी हमारा डन है और अब करेंगे क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकेंड केस का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन ये बट एक बार और बिफोर एग्जाम अच्छे से कर लेते हैं अमित बलन चंदर ए बी सी रेशियो है क्लास कितनी वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई सिक्स वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई सिक्स अमित बलन चंदर इसको बराबर करने के लिए थ्री थ्री इसको टू टू तो थ्री टू वन रेशियो हो गई कुल मिला के ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया थ्री रेशियो टू रेशियो वन चंद्रिट क्लास जो चंद्र है वो रिटायर हो गया क्लास यहाँ पे और ये री बैलेंस शीट एम्प्लॉय पॉइंट फ्रंट को मत बांटना जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ इसके अंदर है नहीं अच्छे से देख लेना कुछ छूट ना जाए गुडविल है सत्ताईस हज़ार की ठीक है तो गुडविल की एंट्री तो जानते ही हो आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो नहीं गिवन है अगर नई रेशियो नहीं गिवन है तो ये जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर कौन जा रहा है क्लास छोड़ के चंद्र रिटायर हो रहा है तो अब चंदर का हिसाब हटा लो क्लास तो थ्री रेशियो टू यही गेनिंग रेशियो है राइट थ्री रेशियो टू क्लास आ गई गेनिंग रेशियो थ्री रेशियो टू अब पूरे फॉर्म की जो गुडविल आपको दे रखी है कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करोगे वो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है सी का जो शेयर निकल कर आएगा चंदर का जो शेयर निकल कर आएगा वो कितना निकल के क्लास आएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इसका कितना है अमित वलन चंदर का वन बाई सिक्स है ना छः से डिवाइड दो यह आएगा पैंतालीस सौ एंट्री क्या हुई क्लास ए बी टू सी सी को मिलेगा पैतालीस सौ गिनिंग रेशियो थ्री रेशियो टू थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव पैंतालीस को पाँच से डिवाइड दो नौ नौ तीस सत्ताईस सौ नौ दोनों अठारह देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन ओरली करोगे ना तभी पेपर टाइम पे होगा अकाउंट के स्टूडेंट हो कॉमर्स स्ट्रीम है तुम्हारे पास कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए साल भर करते करते ही बनती है ये अचानक से नहीं बनेगी ए में बी में टू सी क्या आप अकाउंट बनाओ ए बी सी पूरा नाम लिखना क्लास अमित बलन चंद्र ए में बी में क्या लिखोगे टू सी ए में ए में बी में लिखोगे टू सी है ना ए में बी में सत्ताईस सौ अट्ठारह सौ सत्ताईस सौ अट्ठारह सौ ए में बी में टू सी और सी में लिखोगे बाई ए बाई बी सी में सत्ताईस सौ और अट्ठारह सौ आई क्लास बात समझ ए में बी में टू सी और सी में लिखोगे क्लास बाई ए बाई बी हो गया डेप्रीसीन दस परसेंट लग रहा है क्लास मशीन पे देखो कहाँ है मशीन मशीन कितने का है क्लास अड़तालीस हज़ार दस परसेंट का डप्रीशिएशन टू मशीनरी कितना बनेगा क्लास अड़तालीस सौ अड़तालीस हज़ार है ना दस परसेंट कितना बनेगा अड़तालीस सौ पेटेंट रिड्यूस बाई ट्वेंटी परसेंट पेटेंट बीस परसेंट से कम हो गया तो कहाँ है पेटेंट पाँच हज़ार पाँच हज़ार का बीस परसेंट कितना बन गया हज़ार टू पेटेंट्स अच्छा कल को ना अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट भी आ सकता है उसको भी देख के चले जाना रिवैल्यूशन के ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें रीवैल्यूशन के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं उसको भी देख के जाना क्लास ठीक है पेजेंस ट्वेंटी परसेंट कम हो गया कितना बन गया क्लास यहाँ पे पाँच हज़ार ओके ओल्ड फोटो कापियर प्रीवियस रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर छः सौ एक पुरानी फोटो कापी की मशीन थी छः सौ का बेच दिया आपने बाई ओल्ड फोटो कॉपियर मशीन कितने का आपने बेच दिया कबाड़ था आपके लिए लेकिन आज छः सौ वैल्यू मिल गई उसको छः सौ का फ़ायदा हो गया अच्छा उसके बाद एक क्लास चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले ली पंद्रह आठ सौ तो चंदर के क्या अकाउंट लिखो टू इन्वेस्टमेंट्स कितने में ले, ले ली क्लास पंद्रह हजार आठ सौ अच्छा वो था कितने का मुझे बताओ क्लास यहाँ पे वो था कितने का इन्वेस्टमेंट का दस हजार का था पंद्रह आठ सौ गया पांच आठ सौ का फायदा पांच आठ सौ का फायदा रिवेल्यूशन लिखो क्लास बाई इन्वेस्टमेंट्स पांच हजार आठ सौ बाई इन्वेस्टमेंट्स पांच हजार आठ सौ ठीक है तो अगर देखा जाए तो हमने सारी चीजें लिख ली और तो कुछ बचा नहीं है अब क्या लिखा है अमित बलन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिल प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस टू के मैं तुम्हें तीन डिफरेंट टाइप बताता हूँ पहला अगर ऐसा लिखा है तो जो अमित और बलन जो है वो दोनों की सीडी को जोड़ेंगे नई नई रेश नए की कैपिटल मिल जाएगी उसके बाद वही करना है जो केस वन में करते थे नई कैपिटल को बांटो टू टू बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कैश कैश यहाँ पे इन दोनों का सीडी निकाल के जोड़ दो नई फॉर्म की कैपिटल मिल गई नई रेशोम बांटो वही टू बैलेंस सी बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश सी दो बार निकालना पड़ेगा इसमें एक और केस होता है इसमें कुछ पैसे बचाने के लिए बोलता है तो तीनों की सीडी को जोड़ोगे जो पैसा बचाना है प्लस जो ऑलरेडी है बैलेंस शीट में वो माइनस बहुत रेयर आता है बट करके चले जाना क्लास मैंने करा रखा है और एक केस आता है जहां लिखा था कैपिटल प्रपोशनट कैपिटल प्रपोशनट अगर कैपिटल प्रपोशनट लिखा है तो तीनों की सीडी को जोड़ना है मतलब जो बी लोन है आपको वो भी जोड़ना पड़ेगा तब नई फॉर्म क्या अप्लाईगी मैं दिखाता हूँ तुम्हें करके अभी ये एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा है कुल मिला के तो अगर आप देखोगे तो ये आ गया सिक्सटी फोर हंड्रेड ये आ गया सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड में से माइनस करेंगे फोर्टी एट हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड सौ किस नाम से आएगा टू री वैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी तो थ्री टू वन है तो थ्री टू वन सबसे सब अच्छा रेशियो है और 600 सौ आ जाए तो बल्ले ही बल्ले तीन सौ दो सौ सौ ठीक है गेन यहाँ ट्रांसफर कर दो बाई री वैल्यूएशन गेन तीन सौ दो सौ सौ ओपनिंग बैलेंस है क्लास बाय जनरल रिजर्व ठीक है तो ये जो जनरल रिजर्व है आपने क्लास देखना है कितना दे रखा है नौ हज़ार दे रखा है और थ्री टू वन रेशियो है तो नौ हज़ार है छः से डिवाइड दो पंद्रह सौ पंद्रह सौ पैंतालीस सौ और तीन हजार तो चार तीन सात एक आठ और नौ हज़ार ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस बी डी तो कितना है क्लास आपको ओपनिंग बैलेंस फोर्टी छत्तीस पाँच सौ और बीस चालीस हज़ार छत्तीस पाँच सौ और बीस हजार ठीक है तो ये हो गया क्लास यहाँ तक अब सुनो अब मेरी बात ध्यान समझना जो छोड़ के जा रहा है पहले भैया उसको निपटाओ थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया गेन है दो सौ रुपये का ओनली ये है तीन हजार का रिजर्व और तो कुछ है ही नहीं क्लास गुडविल था इस क्वेश्चन में हमने कर दी वी की आंटी ना हाँ सी छोड़ के जा रहा है ना तो सी का हिसाब देखते ना बीस हजार प्लस सौ प्लस पंद्रह सौ प्लस सत्ताईस सौ प्लस अट्ठारह सौ छब्बीस हजार एक सौ ठीक है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस पंद्रह हजार आठ सौ का तो वो ले ही गया था तो दस हज़ार तीन सौ का बैलेंस बचा है टू सीस लोन अकाउंट जो भी सी का बैलेंस है वो सी के लोन अकाउंट में चला जाएगा अब मेरी बात समझना कैसे करना होता है अब जो दोनों पार्टनर बचे हुए हैं उसके लिए क्लास यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सी और एक छोटा सा वर्किंग नोट नंबर वन अब बनाओगे वर्किंग नोट नंबर वन कैसे लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अमित और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बलन तो वो हमें निकालना है दोनों ही क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ेंगे जो तो आएगा न्यू न्यूफॉर्म कैपिटल अगर लिखा रहता देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट तो तुम तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ते मतलब अभी जो थर्ड पार्टनर था ना जिस जो रिटायर हो रहा है उसका भी जोड़ देते और कुछ पैसे बचाने हैं कुछ इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करोगे कुछ पैसे बच जाएं है ना कुछ पैसे बच जाए हाथ में हाथ खाली ना हो जाए तो तुम तीनों का बैलेंस जोड़ोगे जितना पैसा बचाना है वो प्लस करोगे जितना ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है क्लास बैंक का बैलेंस उसे माइनस करोगे ठीक है वो लास्ट केस है इसके अलावा कुछ नहीं बनता तो अमित और बलन का निकाल लेते हैं क्लास क्लोजिंग बैलेंस तो, तो अमित का देखते हैं चालीस हज़ार तीन सौ प्लस चार पाँच सौ फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस कर दो सत्ताईस सौ बयालीस एक सौ ये हो गया क्लास बयालीस हज़ार एक सौ और बलन का देखते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस दो सौ प्लस तीन हजार और माइनस करेंगे अट्ठारह सौ थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो ये आगे क्लास अस्सी हज़ार और जो नई रेशियो है आप उसमें बांट दो ये आगे क्लास नए फॉर्म की कैपिटल एटी थाउजेंड और नई इसमें यही गिवन नहीं थी बस यही फ़र्क है कि उसमें नई नई फॉर्म की कैपिटल गिवन थी इसमें गिवन नहीं है नए फॉर्म की कैपिटल तो ये केस टू हो गया और इसमें नई रेशियो भी कहीं कुछ गिवन नहीं है ना ही कुछ निकालने का झंझट है इसमें गिवन ही नहीं है तो कौन जा रहा है छोड़ के चंदर जा रहा है तो अगर चंदर जा रहा है ना चंदर को छुपा लो यहाँ पे तो थ्री रेशियो टू यही क्लास आपकी न्यू रेशियो आ गई थ्री रेशियो टू तो थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव फोर्टी एट थाउजेंड और ऑब्वियस थर्टी टू होगा थर्टी टू थाउजेंड फोर्टी एट और थर्टी टू खत्म और कुछ नहीं है क्लास तो अगर हम देखें तो ये साइड बड़ी आ गई फोर्टी एट थाउजेंड अब बैलेंसिंग फिगर मतलब कि आपने पहले सीडी निकाला यहाँ नहीं लिख के वर्किंग नोट में लिखा फिर वर्किंग का नोट का काम करके यहाँ से उठा के लाए और नई रेशियो निकाल के तो यहाँ पे लिख दिया आपने तो पचास हज़ार सात सौ पचास हज़ार सात सौ टोटलिंग आ गई पचास सात सौ पचास सात सौ बैलेंसिंग फिगर कैश में आएगा क्योंकि क्लास कुछ लिखा नहीं है तो कैश में लिखते हैं कैश लिखा है तो भी कैश में लिखते हैं अगर करंट लिखा है तो ही करंट लिखेंगे अदरवाइज करंट नहीं लिखेंगे तो फिफ्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड माइनस फोर्टी थाउजेंड माइनस तीन सौ माइनस पैंतालीस सौ या आ गया फिफ्टी नाइन हंड्रेड का बैलेंसिंग फिगर इसकी टोटलिंग करें तो आई थिंक ये साइड बड़ी है छत्तीस पाँच सौ प्लस दो सौ प्लस तीन हजार छत्तीस पाँच सौ प्लस दो सौ प्लस तीन हजार थर्टी थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड माइनस थर्टी टू थाउजेंड माइनस सौ इट्स फिफ्टी नाइन ये भी क्लास फिफ्टी नाइन हंड्रेड बैलेंस बराबर आ गया देखो ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर चक्कर में रहो बट ये बराबर आ सकता है और मोस्ट ऑफ केसेस में आता ही है आई क्लास बात समझ तो ये हो गया क्लास अगर तुम्हें क्लास बैलेंस शीट आ जाए एक बार को तो एक दो क्वेश्चन बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करके जाना रिस्क मत लेना क्लास नहीं तो सुबह मैं करा दूंगा बोलोगे सुबह लाइव पे तो तो इस तरीके से क्लास सारे क्वेश्चंस हो गए बैलेंस शीट में क्या मशीन कम हो गए इतने से कम कर देना पेटेंट्स कम कर देना फ़ोटो कॉपी मशीन बेच दिया कैश में बैलेंस ऐड कर देना इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्टनर ले गया तो आएगा ही नहीं इसके अलावा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये लिखना और इसके अलावा सी का लोन लिखना लाइब्रेरी साइड बस खत्म और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है बाकी जो बैलेंसिंग फिगर कैश का है अगर इधर साइड कैश आ रहा है इसका मतलब पार्टनर पैसे लेके जा रहा है और इधर साइड कैश आ रहा है मतलब पार्टनर घर से लेकर आ रहा है इधर दोनों तरफ है तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं ला रहा है फिफ्टी और ले भी जा रहा है फिफ्टी तो ये था क्लास आपका पूरा का पूरा क्लास रिटायरमेंट अभी मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर बना लेना जो एस पी आप पे है डेफिनेटली आपको तो, बहुत हेल्प करेगा तो टिल देन टेक केयर बाय गॉड ब्लेस यू बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग क्लास कीबोर्ड में ये जिंदगी में तुम्हें बहुत क्लास बहुत अप्रिशिएट करेगा और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और ये मेहनत क्लास हमेशा याद रहेगी तुमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर करना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो क्लास और बहुत सारी सीटी की प्रिपरेशन भी करेंगे और आगे भी लाइफ में हमेशा क्लास आपके साथ जुड़ा रहूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में